साधू राजा सब बिगड़ी। बोले महाराज उठवा तो देते लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है आपके हाथ में मेहतर का गड़ा है मेरे में ब्राह्मण का मैंने छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा इसलिए ना 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 हरिचंद बोले तारा तने के सहारो दे दे नारी अमरी अरे जल की भरी उठवा दे गगरी लेकिन उपाय बता सकती हूँ आप गर्दन तक जल में घुस जाओ आराम से घड़ा उठ जाएगा। हरिचंद बोले तारा अब घड़ा तुम पर नहीं उठवाएंगे मैं खुद ही उठा लेंगे। तारा तो चली गई आज हरिचंद ने वो घड़ा तो उठा लिया लेकिन कालू मेहतर के दरवाजे पर घड़ा फूट गया। कालू मेहतर कहने लगा हरिया क्या भोजन नहीं करता है। दुकानदार के पास में जाकर के देखा हरिचंद ने परीक्षित जी 27 दिन हो गए भोजन नहीं किया। वाह कालू मेहतर कहने लगा बारे जा हरिया अब मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करेंगे ये लाठी ले और बिना करके कोई भी लहस नहीं जलनी चाहिए। हरिचंद मरगट की रखवारी करने लगे। इधर पंडित जी एक दिन बोले हैं अपने बच्चे से कह दो रोहित से कि फूल तोड़ करके ले आए पूजा के लिए। रानी तारा ने अपने बेटा रोहित को बुलाया और कहा जाओ मेरे लाल फूल बाग से फूल तोड़ करके ले आओ और ये श्रीमान हमारे माननीय शनिभान ठेकेदार जी हैं ये 201 रुपए भागवत में समर्पित कर रहे हैं भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। राधा रानी अपनी यूं ही कृपा बरसाए रखे। तो आज सुखदेव मुनि बोले हैं अब रोहित हाथ में डलिया लेकर के फूल तोड़ने के लिए फूल बाग के लिए चली। रानी तारा बोली बेटा खेल कूद में मन लग जाना जल्दी आना। रोहित कहीं चंपा कहीं चमेली कहीं गुलाब बड़े सुंदर से पुष्प देखते हुए जा रहे हैं। एक क्यारे का बड़ा सा फूल खिला हुआ है सोचने लगे ये फूल तोड़ करके दिया तो बहुत खुश होंगे हमारे गुरुजी। जितना ही आगे के लिए बढ़े मन में बड़े विचार है। विश्वामित्र ने एक छोटे से सर्प का रूप धारण किया पुष्प में छिप करके बैठ गई। रोहित ने जैसे ही हाथ बढ़ाया विश्वामित्र ने अंगुली में खा लिया। रोहित मां मां कह करके गिर पड़े जमीन पे और जब जमीन पे मां मां कह करके गिर पड़े इधर विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आवाज लगा दी है काशी के लोगों फूल बाग में किसी का बालक फूल तोड़ने के लिए गया है उसे सर्प ने खा लिया मां कह करके चीख रहा है। रानी तारा ने सुनी तारा पंडित जी से बोली क्या मैं जाए मेरा ही बालक गया है फूल तोड़ने। बोले जाओ और जल्दी आना। आ रानी तारा ढूंढती हुई फूल बाग में पहुंची क्या देखा है रोहित बेहोश पड़े हुए हैं। तारा पछाड़ खा के गिर पड़ी हाय मेरी लाल अब क्या करेंगे हम मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है।
रोहित की आंखें खुली और बोले, मैया अब मैं ज्यादा देर बचने वाला नहीं हूँ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। सुनो, जो दुख सुखी तोई पर कह दे हो, सो मैया हमसे कह ले। अरे ये सवारी पुचकार के गोदन चलनी ले ले, जाकी मटिया रह गई पड़ी की पक्षी से रमी गोए, जाको पिंगड़ा खाली पड़ो की हंसा से उड़ी गोए। आज रोहितास ने ओम ओम करके अपनी मैया के गोद में जब प्राणों को त्यागा है, तो मैया पागलों की भांति रोने लगी है। और क्योंकि कोई भी माँ हो, जब कलेजे का टुकड़ा जिगर का टुकड़ा दूर होता है तो माँ से पूछो, माँ की ही ममता क्या होती है, ये बांज लुगाई क्या जाने। जाके ना गई पीर, जाके ना गई कभी पाए बिमाई, वो पीर पराई का जाने। और जो बांझ लुगाइयां होती हैं वो क्या जाने कि पीर कैसी होती है पुत्र की, है ना। पीड़ा तो वही समझ सकती हैं जो माँ की ममता अपने बच्चे को देती है। आज रानी तारा जैसे कपिला गाय रोती है, जंगल के बीच में फंस जाती है बिना बछड़ा के, ऐसी रो रही है। उसी बाप की मान ली आई बहन, रोने से कुछ नहीं होगा, अपने बच्चे को गोद उठाओ और चलो मिट्टी का अंतिम संस्कार कर दो, बारिश समय। तारा ने बच्चे को गोद में लिया और रोती हुई जा रही है, बेटा की मरगट जाई रही और लेके लाश आज कोई, मरगट माता तो से पूछ रही लेके लाश आज कोई को पुचकारती हुई मरगट में पहुंची, चिता को छीन लिया आग देने के लिए हुई। अरे जानवर ठहर जा, क्या कौन हो? मैं तुम्हारी रानी तारा हूँ। तारा बोली, अच्छा हाथ तुम हमें भूल गए। अरे भाई तारा हूं जो एक दिन काशी की गलियों में गली गली घूमी थी बिछने के लिए, आज तुम हमें भूल गए हो। बोले आप ये चिता में, बोले ये रोहित है, इसे सर्प ने खा लिया, मिट्टी का अंतिम संस्कार कर दो।
हरिचंद बोले भद्रे बिना करके यहाँ पे कोई भी लेस दफन नहीं हो सकती है। थारा बोली कैसी बातें कर रहे हो, अरे मेरे पास इतना कर नहीं है जो मैं दे दूं, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है महाराज। यादी सर पे साड़ी और यादी लल पे डाली, आदी ना मांगो साड़ी आदि मेला सारी। आदि सारी सब मेरे सर पे रुकी है, आदि मेरे कफन में दे दी, अब आदि साड़ी मत मांगो क्योंकि नहीं तो मैं नगिन हो जाऊंगी, कुछ नहीं रहेगा मुझे। आदि सर पे साड़ी आदि लल पे डाली, आदि ना मलो सारे आदि मेला सारे, आदि ना मलो सारे आदि मेला सारे। साड़ी मत मांगो, लेकिन हरिचंद ने वो आदि साड़ी खींच ली। रानी तारा नगिन हो गई, बिचारी शर्म के कारण मंदिर में जाकर के छिप गई। आज विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा, काशी की गलियों से दो बच्चों को चुराया, भी चौराहे पे काट दिया, तारा के मुख में खून लगा दिया और कहा काशी के लोगों सुनो, मंदिर में एक डाइन आई है वे बच्चों को खाती है, इसलिए बच्चों को संभाल करके रखना। आज ये खबर कालू मेहतर को पता चली, कालू मेहतर ने हरिचंद को बुलाया, कहा जाओ मैंने सुना मंदिर में एक डाइन आई है, तुम उसे मार करके आओ। तो आज परीक्षित जी हरिचंद तलवार लेकर के मंदिर में पहुंचे, क्या देखा तारा बेहोश पड़ी हुई है। बोले तारा आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। बोले क्यों? बोले तेरा बालक मर गया, इसका कारण ये नहीं कि तू दूसरे के बच्चों को खाएगी। तारा बोली मुझे मार दो, मेरा जीकत भी क्या होगा। आज हरिचंद ने जैसे ही तलवारों और ये चलाई है, राजन ठहरो आवाज सुरक से आई है, विश्वामित्र ने आकर के तलवार पकड़ ली। हरिचंद बोले तुम? बोले अरे हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, वास्तविक में तुम सत्यवादी राजा दानवीर हरिचंद हो। तारा बोली ऐसी परीक्षा ली जाती, मेरे एक बेटा था वो भी ले लिया। बोले नहीं आवाज लगाओ। आज जैसे ही आवाज लगाई, रोहित मां मां कहकर के मंदिर से निकल पड़े, अयोध्या नगरी का राजपाट वापस कर दिया। परीक्षित जी अब कथा ध्यान से सुनो, पूछेंगे
आज जब अयोध्या नगरी का राजपाट वापस कर दिया है, अयोध्या नगरी का जब राजपाट वापस कर दिया, सभी लोग बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। रोहित की शादी हुई। आप कथा ध्यान से सुनो। अब बोले रोहित की शादी हुई, जितने नाम गिनाऊंगी सारे पूछूंगी अभी। रोहित की शादी हुई, रोहित के हुए हरित हरित के, विजय विजय के, चम चम के, ब्रक ब्रक के, भरु भरु के, सगर वही सगर जिनके 60,000 बेटा कपिल ऋषि महात्मा ने जला करके राख कर दिए थे। कहां? डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद कपिल में। सगर के असमंजस, असमंजस के असमान, असमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, वही भागीरथ जो पृथ्वी पे गंगा लाए और दुनिया का तारण तरण करवाया। भागीरथ के सुरत, सुरत के नवक, नवक के रिटपड़, रिटपड़ के संदीप, संदीप के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के कालमास, कालमास के अस्मक, अस्मक के मूल, मूल के हुए दशरथ। कौन से दशरथ? कौन से दशरथ हुए भैया लोग? नहीं, दो दशरथ हुए हैं त्रेता युग में। दशरथ के इडवी, डिडवी के, विशुषा, विशुषा के, खटमांग, खटमांग के, धीरक बाहू, धीरक बाहू के, दिलीप, दिलीप के, रग रग के हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और परिचित जी दशरथ कैसे पैदा हुए थे? आप कथा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आइए दो बार भगवान का नाम बोलते चलेंगे और फिर आगे और थोड़ा थोड़ा आप खड़े होकर के झूम भी लेंगे, ठीक है? कि खाटू नंगरी वाला, कि खाटू नंगरी वाला मेरा यार है। तीन बाण धारी मेरा परिचित महाराज थोड़ा खड़े हो जाओ, नाच लो। अरे कालावन सरकार में देखो शर्म नहीं की जाती है, खड़े हो जाओ। माताओं बहनों आती जाओ थोड़ा थोड़ा, तो मैं सब बाबा की कसम हुई, निकल जाओ थोड़ा थोड़ा नाच लो आके। खाटू नगरी वाला, खाटू नगरी वाला मेरा यार है। बाड़धारी मेरा दिल दिलदार,
के सिवा नहीं जग में दूंगा, तेरी के सिवा नहीं जग में दूंगा। बाबा की महिमा का अपरंपार है, काला वंश की सरकार भी अपरंपार है। बाबा की महिमा तो अपरंपार है, आई तीन बाण धारी
गाना के राइटर हमारे घनश्याम भाई बहन, उन्हीं इस गाना पे कलम चलाई। अरे गोल्डी की अब यही आशा, मेरा दिल धड़कता था। वाह वाह करता सबका ही उधार है, कायलावन करता सबका उधार है। अरे तीन बाण धारी मेरा दिल होना चाहिए। बाबा के दरबार में किसी के हाथ नीचे नहीं। दादाजी सभी लोग ऊंचे ऊंचे। वन टू थ्री बाबा सबकी क्या बनाता हाय बाबा झोली भरने आ रहे बाबा की तो यहाँ पे सरकार है। तीन बार मेरा दिलदा बाबा की तो महिमा अपरंपार है। मेरा
सरकार संत समाज की आज के आनंद की मरीज मरीज के सुर सुर के बैसवत बैसवत के हिला हिला के चुक चुक के कुसनाप कुसनाप के हरित हरित के दरित दरित के नरियन नरियन के कुरुस कुरुस के मावली मावली के सरिया सरिया के प्रसव प्रसव के बैसवत बैसवत के हुए भी कुछ बैसवत के दस बेटा पैदा हुए विकुच की पीढ़ी पर निमी का जन्म हुआ निमी के डंडक डंडक के त्रिवंदन त्रिवंदन के त्रसंग त्रसंग के हरिचंद हरिचंद के रोहितास रोहितास के हरि तरित के विजय विजय के चम चम के भ्रग भ्रग के भरु भरु के सगर सगर के असमंजस असमंजस के असमान असमान के दिलीप दिलीप के भागीरथ भागीरथ के सुरत सुरत के नमक नमक के रिपड़ रिपड़ के संदीप संदीप के सुदास सुदास के सौदास सौदास के कालमास कालमास के अस्मक अस्मक के मूल मूल के दशरथ दशरथ के इडविड इडविड के विशुषा विशुषा के खटमांग खटमांग के दीर्घ बाहु धीरक बाऊ के दिलीप दिलीप के हुए रग रग के हुए आज अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। अब इनके घर में राम लक्ष्मण अवतार लेंगे। भगवान कब अवतार लेते हैं ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होए धर्म के हानि जब जब इस पृथ्वी पे पाप अत्याचार ज्यादा होने लगते हैं और बाढ़ असुर अधम अभिमानी असुर माने राक्षस जब राक्षसों की संख्या ज्यादा हो जाती है कि तब तब प्रभु धर विविध शरीरा तब तब भगवान अन्य प्रकार के रूप धारण करते हैं और हर ही मनोरथी सज्जन पीरा जब जब भक्तों इस पृथ्वी पे कमजोर सताए जाते हैं वो दीन मंद दीनानाथ दौड़े दौड़े चले आते हैं। अब ये बताओ ऐसा कौन राक्षस पैदा हुआ जो राम को अवतार लेना पड़ा हुँ? बताओ ऐसा कौन पैदा हुआ जो राम को अवतार लेना पड़ा उसे मारने के लिए। रावण। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा रावड़ी हुआ जो उसको मारने के लिए भगवान आए क्योंकि भगवान के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता था। रावण कहां का रहने वाला था? रावण कहां का रहने वाला था? लंका का तो राजा था वो, रहने वाला नहीं था वहां का। अब सुनो, रावण ऑस्ट्रेलिया देश का रहने वाला था। इसका जन्म लभेड़ा वन में हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे फिर ये सोने की लंका किसकी थी? सोने की लंका थी कुबेर की। एक बार कुबेर को अपने पिता विश्व सर्वा की याद आई तो कुबेर ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। कथा ध्यान से सुनना कि अरे नहीं पलकी देर लगाई परीक्षित जी कितनी रफ्तार थी पुष्प विमान की। एक घंटा में 400 मिलियन यानी कि बहुत रफ्तार होगी। जब तक हम अपनी आंख खोल करके बंद करते होंगे तब तक वो दुबई क्रॉस कर चुका होगा।
400 मिलियन एक मिलियन में इतना आता है मालूम नहीं है। दस लाख 400 मिलियन एक घंटा में वो रफ्तार करता था, यानी कि जब तक हम आंख खोल मूंद करके खोलते होंगे तब तक वो दुबई क्रॉस कर चुका होगा। इतनी रफ्तार उस पे बैठ करके कुबेर ने जिस समय ऑस्ट्रेलिया में वो रथ को उतारा तो रावण कहने का मैया कौन इतना पैसे वाला आ गया है इसके पास उड़ने वाला विमान है। केक्सी बोली बेटा ये मेरी सौत का लड़का है, तेरा बड़ा भैया है। बोलिए बोले हाँ तेरे पिताजी की पहले वाली और एक पत्नी है जिनका नाम है इडविडा। विश्व शर्मा की और पत्नी थी जिनका नाम था इडविडा। बोले इडविडा का लड़का है, तेरा बड़ा भैया है, मेरी सौत का लड़का है। बोले बेटा ये उड़ने वाला विमान तो बहुत छोटी चीज है, इसके पास सोने की लंका है, सोने की। रावण कहने का कायम्मा हम तुम जब टूटी झुपड़िया में रह रहे जो सोने की लंका में रह रहे जाके मतलब मेरा भी हिस्सा है। बोले नहीं, बोले जो बाप की जागीर होती है उसमें भाइयों का हिस्सा होता है, अगर कोई चीज परिचित जी तुम्हारे ससुराल वाले दान में दे दे उसमें तुम्हारे भाइयों का हिस्सा नहीं होगा। बोले इसलिए उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं है। बोले किसने दी? बोले देवताओं ने प्रसन्न होकर के दान में दे दी कुबेर को सोने की लंका। रावण कहने लगा तो तपस्या करने हम भी जाऊंगा। आप कौन कौन तपस्या करने चला? रावण कुंभकर्ण विभीषण इजटा तीनों पहुंचे मंदराचल पर्वत पे। सबसे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, रावण से बोले बेटा वरदान मांग लो। रावण कहने लगा महाराज हमें अजर और अमर कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले देखो जो भी यहाँ आया है वो यहाँ से जाएगा जरूर, इसलिए मैं ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। रावण कहने का तो मुझे वरदान भी नहीं चाहिए। वहां से विभीषण के पास में पहुंचे, बोले बेटा वरदान मांग लो। विभीषण कहने का बस महाराज जब जब मैं इस भूतल पे आऊं तब तब तुम्हारे चरणों का दास बना रहूं। बोले एव मस्त तुम अजर और अमर हो, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो भैया लोगों कभी मरता नहीं है, वो अजर अमर हो जाता है। अब कुंभकर्ण के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को देख करके डर गए। क्यों? 16 कोस समुच्छराय ठाड़ी और 12 कोस ना कजक की बाड़ी, कितना लंबा चौड़ा होगा। एक बार जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण अपने भैया कुंभकर्ण को जगाने गया, कैसे कि हाथी नकी मरनी मचवाई। हाथिन की मड़नी मचवाई, मड़नी किसे बोलते हैं? मड़नी किसे बोलते हैं? मड़नी दाया, बहुत बढ़िया। मड़नी उसी को बोलते हैं दाएं को। पहले ये कोई साधन नहीं थे तो बैलों के द्वारा मचवा के दाएं लगवाई जाती थी। हाथिन की मड़नी मचवाई, यानी कि रावण ने हाथी मचवाए और कुंभकर्ण के शरीर पर दाएं चलवाई गई और रावण भैया रहो जगाई। रावण अपने भैया को जगा रहा लेकिन कुंभकर्ण नहीं जग रहा है। अब लकड़िया के फारे बनवाए गए, जैसे लोया के फारे होते हैं, लकड़ी को फारते हैं तब ठोंकते हैं, वैसे लकड़िया के फारे बनवाए गए और कुंभकर्ण के अंगुरियन में ठुकवाए गए, तब तो वो जगा। हजारों हाथियों का भोजन कर गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे 100 कितो लंबो चौड़ो है कुंभकर्ण। एक बार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध जीत गया तो भीम को अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान है। भीम सोचने लगे हम ना होते तो जब पांडवा युद्ध थोड़ा जीत पाते। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गदा से हाथी को मार दिया, आकाश में चला गया, आज तब तक लौट करके नहीं आया, इसलिए मेरे जितना बलशाली ना पैदा हुआ और ना पैदा कभी होगा। भीम को बहुत बड़ा अहंकार है, कन्हैया सोचने लगे इनको घमंड तो जरूर चूर करें।
तो कन्हैया ने रथ को तैयार किया, बोले चलो भीम आज तुम्हें हम सैर कराएंगे। बोले चलो, रथ में बैठा रहा, एक तालाब के किनारे रथ को रोका, उस तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ था। बोले जाओ भीम ये फूल मुझे तोड़ करके दुआ कर। भीम ने क्या किया कि कपड़ा खोल छलांग लगाई, कपड़ा खोल छलांग लगाई। भीम ने घमंड में कपड़े लिए, फाड़ दिए शरीर के, छलांग लगा दी। और भीम बलि ने था नहीं पाई, भीम ने था नहीं ले पाई। परीक्षित जी, ये तालाब है या समुद्र है? दो तीन गोता लग गए, बड़बड़ाए के बहरा लेकर आए कन्हैया से। बोले प्रभु हमें मजाक अच्छी नहीं लगती। बोले क्यों? बोले एक तालाब नहीं है, समुद्र है, जिसकी मैंने था नहीं ले पाई। कन्हैया हंसने लगे, बोले देखो भी ना तो ये तालाब है ना ये समुद्र है। बोले तो क्या है जिसकी मैंने था नहीं ले पाई? बोले सुनो, जब एक बार राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो राम ने कुंभकर्ण की खोपड़ी में बाण मारा था। जो कुंभकर्ण की खोपड़ी का गला कट के गिर गया। गला कितनी खोपड़ी से कहते हैं? हाँ, अरुआ कट के गिर गया और बाई में पानी भर गया। भीम मन में सोचे, अरे भगवान कितना लंबो चौड़ो है कुंभकर्ण, जो जो वक्त तरुआ कट के गिर गया और बाई में पानी भर गया, हमने था नहीं ले पाई। यानी कि ना ना ना, हमसे भी बलशाली आए और चले गए, हम तो बलशाली हो ही नहीं सकते, हम वैसे ही मरे जा रहे। ये है वो है, यहीं पे एक चौपाई लिखी गई, भीम बलि का गर्व सब कीन कन्हैया चूर, और कुंभकर्ण की खोपड़ी में बूढ़त बच गए भीम। आज ब्रह्मा जी कप रहे हैं, कुंभकर्ण से कह रहे लला वरदान मांग लो। कुंभकर्ण कहने का महाराज छह मास जगे एक मास सोए। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये छह मास जग गया तो सृष्टि का भोजन एक ही बार में होगा। सरस्वती को बुलाया, शारद आई तासुमत फेरी, मांगी नींद मास खटकेरी। सरस्वती को कुंभकर्ण की बुद्धि पे विराजमान कराया, बोले वरदान मांग लो। कुंभकर्ण कहने का महाराज छह मास सोए एक मास जगे। बोले एव मस्तु, इजटा को वरदान दिया, जाओ तुम्हारी शादी समुद्र के राजा से होगी। अब सभी लोग चले रावण से, कहा चलो भैया। रावण कहने का मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मन का वरदान नहीं मिला मुझे। अब रावण किसकी तपस्या कर रहा है? भोले बाबा की। हाल में प्रसन्न हो जाता है, हाल में गुस्सा हो जाता है, कैसे सभी लोग बोलेंगे ताली बजा के। रावण मना रहा है भोले बाबा को, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर बम बम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। परीक्षित जी, रावण ने सरों को काटना प्रारंभ कर दिया। पहला सर काटा अग्निकुंड में चढ़ा दिया, दूसरा काटा अग्निकुंड में, इसी तरह से रावण ने 9 शीश काट करके चढ़ा दिए। जब 10वां शीश काटने के लिए हुआ तो भोले बाबा ने तलवार पकड़ ली, बोले बेटा हम तुम्हारी भक्ति पे बहुत प्रसन्न है, आप हमसे वरदान मांग लो। रावण कहने का महाराज एक ही वरदान दे दो, हम काऊ के मरई न मारे, मनव बन रे दो असने हमारे। रावण कहने लगा हम किसी के मानने से ना मरे। रावण को पता था जब भी मेरी मौत होगी, बानर माने बंदर, मानव माने इंसान। बोले हम मानव और बंदरों के हाथों से ना मारे जाए। भोले बाबा बोले क्या मांग रहे हो रावण, तुम्हारी मौत तो मानव और बंदरों के हाथों से ही लिखी है। बोले इसलिए ये वरदान नहीं दे सकते। बोले कैसे? बोले आओ एक दृष्टांत सुनाएं। आज के कम से कम परीक्षित जी 50 साल पहले यहाँ बहुत गरीबी थी, लोगों को पेट भर के भोजन नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते थे, बहुत गरीबी थी।
एक खेत में डोकर डोकरी लड़का तीन व्यक्ति काम करते थे और जालन से भोले बाबा पार्वती दुनिया देखकर निकल पड़े। भोले बाबा ने देखी वे तो चले गए लेकिन पार्वती पे नहीं रहोगे क्योंकि परीक्षित जी माताओं बहनों के अंदर बड़ी दया होती है। जे कहूं बिचारी टेंटिंग पेंटिंग में जा रही हो और इन रत्ता में कोई रोत मिल जाए चाहे वे जनती हो चाहे ना जनती हो चिपट कर रोल गया जी जी। ऐसे ही पार्वती बोली बोलो बाबा बोलो बैया का है जब दुनिया देखने आए हो तो दुनिया में क्या देख रहे हो? देखो तो रही है जे तीनों देखो कितने गरीब है इन्हें पैसा वालों का दो तब चले पैसा वालों। सुनो सती जी ये मालूम ना जब कर्म में लिखा के आई है सो कैसे? हमें आदेश दे दो भाई ने एरोप्लेन से उड़ाए हैं हम। अच्छा तो चलो भोले बाबा बोले जाओ पार्वती हम जाई वृक्ष के नीचे बैठे तुम एरोप्लेन से उड़ाया। अब पार्वती मैया सबतन पहले डोकरी के पास में पहुंची बोली अम्मा ओ ललित मैया का कतियो मैया ओ ललित बोलो हाँ ललित मैया का है टोकरी बोली का रत्ता भूल गई बोले ना 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 बोले तो बोले हम पे तुम्हारो दुख नहीं देखो वो ता से चली आई हमारो दुख ना देखो सो कौन सी बड़ी मायावती हो मायावती नहीं हूँ बोले बाबा के घर से आई हूँ मैं। अच्छा जो मांगो वही देंगे तुम्हें सोच ले मना तो ना करियो नहीं जो मांगो वही देंगे 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 मांग लो मांग ले तो ऐसा करो हमें तुम डोकरी काल की पार्वती पार्वती तो एक काम करो तुम जो मांगे सोई दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बिल्कुल सच्ची पार्वती पार्वती तो मैं तुम एक काम करो 16 साल की लड़की नहीं बना दे। बोली एक मस्त डोकरी मर जुलफ कटाए घुमल नकसा में चूर और डोकर में देखो डोकरी को नकसा डोकत तो जरी मरी जाए डोकर का जाने तो दूसरी जगह खीर कान की तैयारी कर ले हो मैं सही रह गए बहुत गुस्सा में। पार्वती बोली दादाजी तुम भी वरदान मांग लो। डोकर का लगे पार्वती जाए तुमने 16 साल की लड़की नहीं बनाओ जा सुअर बना दो सुअर। बोले ए मस्त अब डोकरी सुअर बन गई पूरे खेत खदोए खदोए घूमे डोकर ने गई जा अब खाओ जा गुलगुला सत्ती अति डोकर छोड़ बड़े नकसे कटे जाए। लड़का ने देखी अम्मा सुअरिया बन गई लड़का बोलो अम्मा। पार्वती बोली भैया भैया तुम वरदान मांग लो। लड़का कह लो पार्वती पार्वती मेरी अम्मा दे थे पहले लाए बैठे तद दे। बोले ए वो मस्त अब डोकरी फिर वैसी बन गई पार्वती भागी भोले बाबा बोले का उड़ाया ही बोले नहीं तुम सही काटते क्यों देने वाले ने छोड़ी कसर ही नहीं पाने वाले पे आया असर ही नहीं। एक चौपाई लिखी गई जब विदना दारुण दुख देई अकल बुद्धि पहले हरी। तो आज भोले बाबा को रावण समझाने लगा। भोले बाबा बोले देखो रावण तुमने 9 शीश काट करके यज्ञ कुंड में चढ़ा दिए इन 9 शीशों के बदले हम तुम्हारे 3 करोड़ बार सर जोड़ देंगे। रावण ने मन में सोची कोई एक दाई कटे दो दाई क्या 3 करोड़ बार काटेगा अब तो मैं अजरी अमर है। बोले ठीक है। आ रावण ने जाते ही जाते हमला बोल दिया परीक्षित जी किस पे कुबेर पे। एक बार कुबेर पे धावा और पुष्प विमान छीन ले आवा दूजी बार जकीन चढ़ाई और सोने की लंका लीन छिनाई। तब से रावण लंका का राजा बन गया। अब समझ में आया। आ रावण जब बड़े पाप अत्याचार ज्यादा करने लगा तो पृथ्वी मैया पे देखा नहीं गया। पृथ्वी मैया समझाने लगी है कि होने लगी है पाप प्रभु जी रो रही
कुछ तो करो तारी मेरे रो नहीं आज जब देवी देवताओं ने आवाज लगाई तो भगवान एक आकाशवाणी करने लगे, परीक्षित जी तब तक आरती तैयार कर लो। भगवान आकाशवाणी करने लगे, हे देवड़ो हे मुन वृंदो रो रो के मुझे रुलाओ ना, विश्वास करो धीरज धारो अब ज्यादा प्रथा सुनाओ ना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पे अवतार लेने वाला हूँ। अब आइए सभी लोग भगवान का नाम फिर आरती और प्रसाद। परीक्षित जी अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज कर रहे हैं, ठीक है, कल यहीं से कथा पूछूंगी आप पे। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाए माताओं बहनों नाच लेंगी है ना। श्याम के नहीं ना कुजरारी सखीरी मुंह पे जादू कर रे दोबारा चालू करो एकदम श्याम के मेहनत कजरारी सकीरी मुम्मे जादू छोड़ा रे श्याम के कहना कजरा रे
के नैना नथ वाले सखी मेरे चाचू मन में श्याम बसे जरा ऊंची ऊंची हाथ करना सबके क्या बात है बहुत बढ़िया मैं उनकी बेटी तुम मेरे श्याम बसे मैं श्याम मेरी अखियन के तारे सखीम में जादू कर डाले श्याम मेरी अखियन के तारे सखीम में जादू कर डाले श्याम के श्याम के नैना कजरारी Oh, yeah, baby.